साहब, जावेद मसरूर साहब, आशिक साहब, मुशी साहब, अशरफ साहब, जरीना जी और तस्नीमा जी, तलबा और तालिबा, जवानों को मेरी आहे सहर दे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, इन शाहीन बच्चों को बाल पर दे। आप सभी को ये मालूम है कि ये शानदार, मैं कहूंगा अगर आपको ये छोटी मोटी लगती है कि, मगर मेरी नजर में ये एक शानदार प्रोग्राम हमारे 10th क्लास के बच्चों के लिए, 9th क्लास के बच्चों ने जहाँ पे बिल्कुल सजाई है। तो मैं अपनी तरफ से और अपने स्टाफ मेंबर्स की तरफ से पहले 10th क्लास के बच्चों को वेलकम करता हूँ और 9th क्लास के बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे बच्चों, अब आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना है, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें यहां पे गोश गुजार करना चाहता हूं। कश्मीरी के एक मशहूर शायर महजूर रह चुके हैं, मैं एक उनका शेर पढ़ता हूं, बिल्कुल आपको समझ आएगा कि ये कश्मीरी में है। तेल बुलबुल गोर पोश हेड पेट जान फिदोई, तेल बुलबुल गोर पोश हेड पेट जान फिदोई, लक्षार लक्षार यन गुजरो तिल सूरस्त तरलन मन। या आपके लिए इसलिए मैंने कहा, जो आपके पेरेंट्स हैं बिल्कुल, आप अगर अच्छी तरह से उनकी जिंदगी में झांकोगे, बिल्कुल उन्होंने अपनी जो जिंदगी है इसी तरह से तरलन सूरस पर आज तक वो बिल्कुल कौन प्रमुख बात बात में यहाँ पे जतताएं जिस तरह से आज आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मैं ये कहूं ये लाइफ जो है ये अभी रुकने वाली नहीं है, अगर आप एक इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाना है। बिल्कुल आपको याद रखना है हमें क्या सिखाया गया है, हमने कम हक कोशिश की है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि टीचर्स का काम होता है वैल्यूज को एड करना। जो वैल्यूज होते हैं जिनको हम कहेंगे कि इनकी कीमत नहीं होती, बिल्कुल हमने कोशिश की कि जहां तक हमें हो सका हमने आपको वो सबक दिया है जो हमसे हो सका। बिल्कुल इसमें कमी पेशी भी रही होगी तो आप खुदारा हमें माफ कीजिएगा। तो ये टारगेट आपका अभी खत्म नहीं हुआ है, जो आपने जिंदगी में टारगेट्स रखे होंगे बिल्कुल ये खत्म नहीं होंगे। मौलाना हाली एक मशहूर शेर शायर रह चुके हैं, वो इसके लिए कहते हैं, है जस्तजू की खूब से तर है खूब कहां, है जस्तजू की खूब से है खूब तर कहां, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहां। तो इसका मतलब यह है बिल्कुल जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने कहा है, सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। बिल्कुल अभी आपको आगे आगे जाना है, बिल्कुल अपने टारगेट्स को वसूल करना है, मैं कहूंगा हासिल करना है। जिस तरह से किसी फिलासफर ने खूब कहा है, यहाँ पे एक फिलासफर को कोट करूं जिनका नाम था सभी सवामी विवेकानंद, ये बात आप गौर से सुनिएगा और टीचर्स लोग, टेक अप वन आइडिया, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, and live on that idea, let the brain, muscles, nerves and every part of your body be full of that idea and leave every other idea alone, this is the way to success। ek idea ko apne dimag mein rakhna hota hai aur us idea pe kaam karna hota hai, jis tarah se ek mashhoor philosopher ne yahan pe topper ki ek definition di hai, kyunki har ek bachcha chahta hai ki main topper aaun, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, चाहे वो जिस्मानी कमजोर हो चाहे वो रूहानी कमजोर हो, बिल्कुल हर एक बच्चा चाहता है कि मैं टॉपर आऊं। लेकिन इसके लिए करना क्या होता है,
बिल्कुल टी का मतलब होता है बिल्कुल आपको एग्जाम देना है, टेस्ट देने होते हैं, और इस टेस्ट के लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, इसके लिए जुनून है, और मकान जो होता है उसके लिए प्लानिंग की जाती है, टारगेट हासिल करने के लिए, टॉपर आने के लिए, सक्सेस होने के लिए इंसान को प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके बाद दूसरा पी जो होता है उस प्लानिंग पे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझ आ गई बात, तो प्रैक्टिस भी जरूरी है। इसके बाद ई का मतलब होता है जो कि एक अहम पॉइंट है जिसका मतलब होता है ईटिंग हैबिट, आपका ईटिंग हैबिट क्या है, नहीं आपको 1 बजे लंच करना है, 4 बजे नहीं कर सकते आप क्योंकि वो आपके लिए टाइम नहीं है, आपको सुबह नाश्ता करना है जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग मील या ब्रेकफास्ट जिसको हम कहते हैं, पहुंचेगा क्योंकि हमारे अंदर मेहनत करोगे हर एक बच्चा जो है वो हमें लगे कि वो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे बिल्कुल पहुंचेगा इंशाल्लाह। ओके, तो इसके बाद इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे पेंटर्स रह चुके हैं, आर्टिस्ट रह चुके हैं, मैं सक्सेस की बात करता हूं, और जिनमें लियोनार्डो दा विंची है जो कि टॉप मोस्ट लेवल पर, इसी तरह से इनके साथ हो रहे, उनका नाम था पेब्लो पिकासो, बात सुना, पेब्लो पिकासो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट रह चुके हैं। एक दिन वो जा रहे थे, उनकी एक बहन औरत जबरदस्त बहन थी, ये इसको रास्ते में मिली और इस औरत ने इसे पूछा, पेब्लो मुझे एक ऐसी चीज दीजिए, एक ऐसा अच्छा बड़ी फैन हूँ, मैं क्या दूं आपको, मैं क्या दे सकता हूँ, तुमने कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। इसने इसको मजबूर किया, इसने बोला कलम है आपके पास, बोला कलम भी है, उसने कागज निकाला और कलम निकाला, इसने 30 सेकंड में एक पेंटिंग तैयार किया, बात सुनना, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में इसने एक पेंटिंग तैयार की, इसने इसे बोला जाओ दे जाओ, ये मिलियन डॉलर की पेंटिंग है, 30 सेकंड की पेंटिंग पेब्लो पिकासो की मिलियन डॉलर की पेंटिंग है, तो इसने ले ली, घर पहुंची, इसने सोचा मिलियन डॉलर की 30 सेकंड की पेंटिंग, अगर मैं भी मेहनत करूं 2-3 घंटे 4 घंटे तो मैं तो ट्रिलियंस में कमाऊंगी, ये वापस आज नींद नहीं आई। इसने सुना कि अगले हफ्ते पिकासो की कहीं पे एक कॉन्फ्रेंस है, तो ये कॉन्फ्रेंस में पहुंची, इसने बोला पिकासो हमारी पहचान, वही औरत है जो वहां पर मिली थी मेरी पहले, हाँ मैं वही हूँ, तो अच्छा क्या वो जो मैंने पेंटिंग बना के दी थी उसको भेजा, तो नहीं मैंने नहीं भेजा, और तो मुझे आपसे एक सवाल है, तो मुझे आप अपना शागिर्द बनाइए, मुझे सिखाइए कि जो आपने 30 सेकंड की पेंटिंग बनाई, मैं भी अगर 3-4 घंटे आपके साथ मेहनत करके तो मैं भी बना सकती हूँ, 3-4 घंटों में मेहनत करूंगी। तो पिकासो ने एक अजीब जवाब दे दिया, बोला देखो जो 30 सेकंड की पेंटिंग मैंने बनाई इसमें मैंने 30 साल लगाए सीखने में, मैंने इसमें 30 साल लगाया, आप बोलते हैं कि 3-4 घंटे में दूंगी फिर ऐसी ही पेंटिंग बनाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता, 30 सेकंड की पेंटिंग के लिए मैंने 30 साल गवाए जो कि मेरे जान ही के 30 साल था। इसका मतलब यह है कि सक्सेस के लिए कोई ट्रिक नहीं है, सक्सेस के लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप बोलोगे कि मैं एक पॉइंट में हासिल करूं, शॉर्टकट हम सफर साथियों के लिए है, टीचर्स के लिए हमें बहुत कुछ करना है, मैं ये कहूंगा दिन दुगनी रात चुगनी करके हमें कुछ ना कुछ करना है ताकि हमारा जो विकार है हमारा जो सिस्टम है तभी अचीव हो सकता है, हमें अपनी जो अन्ना है उसको गिराना है उसको छोड़ना है तभी कुछ हो सकता है। यहां पे हिंदुस्तान में एक गरीब तबके से घराने से एक लड़का रहता था, उसका नाम था आनंद कुमार, आपने एक फिल्म देखी होगी सुपर फैटी, वो उसी पे बनी है, उसी की जिंदगी पे बनी है, ऋतिक रोशन की फिल्म एक मशहूर फिल्म है सुपर फैटी, ये आनंद कुमार की फिल्म है, एक्चुअली ये आनंद कुमार है जो कि हिंदुस्तान का एक बच्चा लेने वाला था। तो क्या हुआ, मैथ इसको जबरदस्त आता था और फिजिक्स, लेकिन गरीब था, इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ लेकिन फीस नहीं मिला, फीस न मिलने पर इसने पॉलिटिशियंस के दरवाजे खटखटाए, किसी ने साथ नहीं दिया, और फिर वो ज्यादातर लालू के पास गए, जो बिहार के लालू प्रसाद के पास गए, उसने भी दरवाजा ये सुना क्या आ गया क्या हुआ तो छोड़ दिया। इसने सोचा चलो ठीक है, इसने वहां पे नहीं पहुंचा, खाब था, तो किसी ने साथ नहीं दिया, तो इसने क्या
क्या किया, इसने एक कोचिंग सेंटर खोला। कोचिंग सेंटर जब इसने खोला, इसका एक बच्चा एडमिशन हुआ, सिर्फ एक बच्चा, बात सुनना, एक बच्चा एडमिशन हुआ। तो इसी, लेकिन इस एक बच्चे ने पहले ही साल में जो हिंदुस्तान का इंजीनियरिंग एग्जाम होता है ना ऑल इंडिया लेवल पर, समझा भी बात, AIEEE जिसको कहते हैं या JEE जिसको कहते हैं, उसने क्वालिफाई किया टॉप पोस्ट में, तो थोड़ा मशहूर हो गया। इसने फिर दूसरे साल जो है शायद 30-40 लड़के आगे, इसी तरह से ये बढ़ता गया। कम से कम एक वक्त पहुंचा 2-3 साल में 600 लड़के आगे। लेकिन इसने सोचा 600 लड़के तो आगे, मैं क्यों ना एक ट्रिक करूं। इसने बनाया एक क्लास, स्पेशल क्लास, मुफ्त, सुपर 30। 30 सारे ऑल इंडिया लेवल पे इसने क्या किया, एग्जाम किया। एग्जाम करने के बाद जो ऑल इंडिया लेवल पे रैंक 30 में आ गए, उनको मुफ्त तालीम दे दी और माँ को बोला, माँ आप एक काम करना, आप इनके लिए पकाओ, बिस्तर लगाओ, मैं पढ़ा दूंगा। सुना, अपने पेरेंट्स को बताना ये, और हम भी पेरेंट्स हैं, हमें ये सीखना है। माँ ने बताया, जब आप कहते हैं तो मैं करूंगा। माँ कुक बनी, उसने 30 लड़कों के लिए बिस्तर भी डाला, बिस्तर का अरेंज किया, कमरे का अरेंज किया, पकाया, सब कुछ किया। तो आनंद कुमार दूसरी तरफ से उन बच्चों को पढ़ाते, जब पढ़ाया तो पढ़ाते पढ़ाते पहले ही साल जो 30 लड़के थे उनमें से 28 ने ऑल इंडिया रैंक पर पहली पोजीशन हासिल की है इंजीनियरिंग एग्जाम में। इतने मशहूर हो गए, अब सब आगे आनंद कुमार के पास, सर हमारा बच्चा जो है इसको एडमिशन दे दो, समझा। लालू प्रसाद यादव भी आ गया, अभी मशहूर हो गया। फिर इसने एक कहानी सुनाई, यही कहानी, एक वक्त ऐसा था मैं इतना गरीब था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, और ये पैसे न मिलने से मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाना था, और उसने फिर मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम थ्योरी भी नहीं, बात समझाती है। तो इसमें ज्यादातर सोच हमें विचार करना है, हम लोगों को, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, लेकिन ये बातें अपने घर वालों से शेयर करें। बच्चा जो होता है ना, इसमें टैलेंट होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, खलीफा अब्दुल मलिक एक बहुत बड़े खलीफा बादशाह रह चुके हैं। उस वक्त एक दाना हुआ करते थे, जो मैंने आपको बताया भी, उनका नाम था एना बिन कैस। ये बहुत ही दाना हो चुके थे उस वक्त, जबरदस्त दाना। तो ये एना बिन कैस को ढूंढने लगे, तो इसने बोला कि मुझे एना बिन कैस से मिलना है। तो एना बिन कैस आया, और एना बिन कैस इसे मिला, तो बोला, एना बिन कैस मैंने सुना कि आप बहुत बड़े दाना है। बोला, हाँ मैं बहुत बड़ा दाना हूं। क्यों, आप मुझे बताइए कि जो बच्चा होता है, बच्चे को परखने के लिए कोई पैमाना है, ये बात समझना, ऐसा तो कोई पैमाना नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पैमाना है। और क्या, तो जब बच्चे खेलते हैं वहां पर हम सोच सकते हैं कि एक पैमाना है, समझा गई बात। तो बच्चे दो किस्म के होते हैं, एक बच्चा ऐसा कहता है बका सर्च, बात समझना, दूसरा बच्चा यह कहता है मेरे साथ कौन, मैं सच पूछ, समझा की बात। एक बच्चा यह कहता है, वो क्या कहता है, बका सर छू ब्याज बच्चू बना मैसेज पूछ दूस बना चू मैसेज पूछू, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, समझा की बात। तो मैं समझता हूं आज के बाद आप ये नहीं कहोगे बका सर छू, आज के बाद ये कहोगे मैसेज पूछ छू, ये आप एक दिमाग के अंदर में जाओगे ना, वहां पे मुझे ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि मैं फहीम ने कहा था, साकिब ने कहा था, अजला ने कहा था, मान लीजिए, या बिनशा ने कहा था, असमा ने कहा था, मैसर ने कहा था, ये बका सोच क्या बोल गया, ताकि उनको लगे जिस इंस्टीट्यूट से ये आए हैं बिल्कुल इनको सिखाया गया है कि लीडर किस तरह से बनना है। क्योंकि जहां पर स्कूल जो होता है, जहां पर लीडरशिप कॉन्टेस्ट जब की जाती है, तो जितना हमसे हो सका हमने किया, लेकिन इसके बाद जितना नहीं हुआ, बिल्कुल ये एक ऐसा टेन्यूअर होता है, बिल्कुल हमने इतने साल आपके साथ दिए। खासकर मैं ये बताऊं कि ये साल जो था ये एक मखसूस साल था, और इसमें बिल्कुल हमसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी, आपसे कोई गलती नहीं हुई होगी, बिल्कुल हमने उसी वक्त आपको सुधारने की कोशिश की हुई। लेकिन अगर हमसे, खासकर मैं अपनी बात करूं, कहीं मैंने आपको बिला वजह अगर डांटा होगा तो माफ नहीं कीजिएगा, समझा गई बात। अगर मैंने आपको किसी रशक पे,
किसी जिद पे, किसी चीज पे ऐसी डांटा होगा कि आपके दिल पे चोट लगी होगी, तो खुदारा मुझे माफ नहीं करता। लेकिन अगर मैंने सिस्टम की भलाई के लिए, स्कूल की भलाई के लिए, आपको सुधारने के लिए या सिस्टम सुधारने के लिए, स्कूल का डिसिप्लिन कायम करने के लिए किया होगा या किसी ने टीचर ने भी किया होगा, तो फिर माफ कीजिए। और जितना हमसे, मैं फिर कहूंगा, जितना हमसे हो सका वो किया हमने, जितना नहीं हो सका तो प्लीज और अल्लाह तआला कीजिए, अल्लाह तआला के लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि इंसान तो इंसान होता है, ये फरिश्ता नहीं होता। तो इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे रुख्सत चाहता हूँ, फिर एक बार आपका शुक्रिया। और मुझे पता है कि अगर आपको कहीं पर फेस लगी होगी इन सालों में, तो अल्लाह के लिए खुदारा मुझे माफ कीजिएगा।